छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई, बैठक में सभी मंत्री शामिल रहे। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगने की बात सामने आ रही है। तो बैठक खत्म हो गई है और आशंका यही जताई जा रही है कि जो प्रस्ताव रखे गए होंगे उन पर मुहर लग चुकी है। बैठक में बड़ी बात ये कि सभी मंत्री शामिल थे। बिलासपुर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम की पानी सप्लाई बंद हो गई है। पानी ना मिलने से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। निगम ने वार्डो में टैंकर की व्यवस्था भी नहीं की। दरअसल मेन एजिंग पाइपलाइन में समस्या होने के चलते दो दिनों से पानी नहीं आ रहा और पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसको लेकर निगम ने वार्ड में टैंकर तक की व्यवस्था नहीं की है। पानी तो नहीं आ रहा दो दिन से और अब टैंकर की भी व्यवस्था निगम नहीं कर रहा। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। बिलासपुर में पानी नहीं होने के चलते आक्रोश, ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम की वाटर सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है और उसका खासा प्रभाव वार्डों में देखा जा सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी के लिए यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग यहाँ पर एक दूसरे के घर पहुंचकर पानी जो है वो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो आन खड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वाटर जो है वो सप्लाई बंद किया जाएगा तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नगर निगम जो है यहाँ पर वाटर टैंक भेज के करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को काम से लौट कर आकर पानी के लिए अब जद्दोजहद करना पड़ रहा है। पड़ोसियों के घर से पानी ये लोग जो है ये ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कब से ये पानी की सप्लाई बंद है, कहाँ और क्या समस्या आ रही है। अभी ये पानी की सप्लाई दो दिन से बंद है और यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है, समस्या आ रही है। नगर निगम ने कुछ नहीं किया है और ये अभी दो दिन तक और बंद रहेगा। ये समस्या बहुत बड़ी, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भरी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। आप कुछ कर नहीं रहे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा, ये टैंकर नहीं भेजे क्या पानी की? नहीं, अभी तक नहीं आया, दो दिन से समस्या है। यहाँ पर सब पागल हो गए, पानी भर रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। पानी हमारी रोज की जरूरत है, लेकिन जब यही पानी किसी दिन ना आए तो सोचिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों राजधानी रायपुर और बिलासपुर में दो दिन तक पानी की किल्लत होगी, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। राजधानी रायपुर के करीब 1,00,000 घरों को अगले दो दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज और कल रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी की वजह से अगले दो दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उनमें अमलीडीह, अवंती बिहार, मंडी, मोगा, सद्दू, दलदल सिवनी, कचना, आमा सिवनी और ज्वारा की पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब परेशानी क्या है, जो निगम का परेशानी है वो तो सफाई को देखते हुए भी ये समझ की जरूरी है, टंकी का सफाई होना जरूरी है ना। तो अगर मान लिया जाए इस बीच में अगर सफाई की नहीं हो पाएगा तो नाना प्रकार की बीमारियां होती रहेंगी, इससे अच्छा सफाई होना जरूरी है। तो रह गया सवाल 24 घंटा, अगर 24 घंटा ही तो बंद रहेंगे ना, 24 घंटे में पानी अपना इधर उधर से कहीं सड़क कहीं करके अपना व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे मोहल्ले में एक ट्यूबवेल है, यहाँ पे उधर में दो ट्यूबवेल है, वैसे करते करते ना हम लोग गुजारा कर सकते हैं। इधर राजधानी रायपुर के अलावा राजधानी बिलासपुर में भी आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर के 8 कॉलोनियों में आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। कल सुबह भी इन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी उनमें तिलक नगर, डबरी पारा, राजेंद्र नगर, सिंधी कॉलोनी, ओम नगर, जरहा, भाटा और वेयर हाउस रोड शामिल है।
गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के इंटर कनेक्शन और बल्ब की मरम्मत की जा रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने सभी एसपी को आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक अवकाश देने के लिए पत्र जारी कर दिया है। आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन चुनौती यह है कि स्टाफ की कमी के बीच रोस्टर कैसे बनेगा, तैयार कैसे होगा और अवकाश कैसे मिल पाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद आरक्षक और निरीक्षकों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। दरअसल लंबे समय से पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने की कवायद चली आ रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें अवकाश मिलना शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब गृह मंत्री के आदेश पर डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश तो जारी हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लागू कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि प्रदेश में 514 थाने और 128 चौकियां हैं। थाने में 50 से 60 पुलिस कर्मचारियों की पदस्थापना होनी है। ज्यादातर थाने और चौकियों में 50% स्टाफ ही है। रायपुर के 33 थाने और चौकियों में तो पुलिस बल की भारी कमी है। हालांकि राज्य सरकार ने 6000 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि अवकाश सुनिश्चित हो सके। इधर पुलिस और पुलिस परिवार के लोग साप्ताहिक छुट्टी से काफी खुश हैं। तो कम से कम अब ये हो जाएगा कि परिवार को समय दे पाएंगे। ये तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। हम लोग पूरे टाइम कम से कम सप्ताह में एक बार अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे। पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, रोज घर पे रहें। अब बहुत अच्छा रहेगा। वहीं डीजीपी के पत्र के बाद पुलिस के अधिकारी भी आदेश के अमल में जुट चुके हैं। पुलिस कर्मचारियों को आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के लोगों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, और ये वरिष्ठ का कार्यालय से आदेश पहले से भी प्राप्त हुआ है, और समय समय पर उनको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार से आवेदन साप्ताहिक अवकाश के लिए अगर रहता है, तो भी उसका निराकरण किया जाता है और जो भी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस ने 9 मार्च 2019 को यह फैसला लिया था और इसका परिपालन भी हो रहा था। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। यह निर्णय तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही लिया गया था और इसका परिपालन भी सुनिश्चित करने को कहा गया था। 9 मार्च 2019 को ही कांग्रेस की सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया था। और यही नहीं, हम तो इससे एक कदम आगे जा गए। छत्तीसगढ़ में 5 दिन की साप्ताहिक कार्य दिवस की संस्कृति को पैदा सुनिश्चित किए थे। पुलिस परिवार और पुलिस खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा। लेकिन इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार में साप्ताहिक अवकाश के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अवकाश कुछ ही पुलिस वालों को कुछ दिनों तक मिल पाया। प्रदेश की पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ वीआईपी ड्यूटी और थाना चौकी के लंबित मामले और अपराधों पर नियंत्रण करने की महती जवाबदारी है। स्टाफ की कमी इनकी छुट्टी पर हमेशा रोड़े अटका देती है। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय जेल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान वो कई लोगों से वहां पर मुलाकात करने भी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि विजय शर्मा की तरफ से वहां पर लोगों से बातचीत किया गया। इस दौरान उन्होंने वो जगह भी देखी जहां उन्हें कैद किया गया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय जेल के साथ साथ प्रदेश भर की सभी जेलों में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 22 तारीख को जेल में लाइटिंग होगी, दीप जलेंगे और मिठाइयां बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा कि समूचे प्रदेश के जेलों में यह आयोजन होगा। मैंने वो जगह भी देखी जहां फर्जी एफआईआर करके मुझे भी रखा गया था। यहीं पर कैदियों से बात भी हुई है, व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी मैंने बात की। जो कुछ भी अभी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। व्यवस्थागत बातें और अच्छी हो जाएं, लोगों को घर वालों से उनकी मुलाकातें और फ्रीक्वेंट हो जाएं, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएं,
मैं इसकी कोशिश करूंगा। 22 तारीख को मैंने कैदियों से भी ये कहा है, सबको ध्यान है इस विषय का कि 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर पर वापस आ रहे हैं। तो वहीं साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस पर अरुण साव डिप्टी सीएम का क्या कहना है, सुनिए। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष दी गई, 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने और एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को पूर्ववत 45 वर्ष यथावत निर्धारित है। यह छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी, पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक वर्ग की भर्ती के लिए 2018 में 2,259 रिक्त पदों के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके उपरांत 5 वर्ष बाद 4/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि महिला अभ्यर्थियों को पूर्व से ही अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। मंत्रिपरिषद ने एक दूसरा बड़ा जो निर्णय आज लिया है, जिसके द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु तो मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। ये दो निर्णय आज के कैबिनेट में हुए हैं। सर, ये महाकाली मंदिर योजना में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महिलाओं काफी इंतजार में, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है क्या बैठक में? मैंने जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी के एक एक वायदे पूरे होंगे और भतारी वंदन योजना की तैयारी हमारी चल रही है और शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय कर घोषित करेंगे। ये प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, यहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ कालोनी हर जगह का आयोजन होने वाला है, कुछ अपील भी करेंगे और किस तरह की रूपरेखा रहेगी सरकार की इस आयोजन को भव्य बनाने की छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से 22 जनवरी के उत्सव को ध्यान में रखकर अलग अलग योजनाएं बनाकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने भी अनेक निर्णय लिए हैं। आज ही नगरी प्रशासन विभाग की बैठक थी, हमने सभी मंदिरों में स्वच्छता और शहर की भी स्वच्छता का निर्णय हमने किया है। इसी तरह की अनेक योजनाएं सरकार की है जिस पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग के पहले ही प्रारंभिक जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्देश किया था और कल जब समीक्षा बैठक ली तब भी इस विषय पे मैंने बातचीत की है और तेजी से खराब सड़कों में जो सड़क में गड्ढे हैं उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। आज नगरीय निकायों के लिए एक बड़ी राशि
सरकार ने जारी करने का निर्णय किया है 215 करोड़ ताकि नगरीय निकाय अपने विकास के काम को आगे बढ़ा सके और स्वच्छता से लेकर विकास के जो काम है उन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कहा है कि निगम की टीम सवेरे शहर। सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट और तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए गए हैं कैबिनेट में, जिस पर जानकारी साझा कर रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साव। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नए डीजीपी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गृह मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों में पदस्थ रहे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस स्वागत दास का नाम सामने आ रहा है। स्वागत दास छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर रही हैं। स्वागत दास रायपुर भी पहुंचे हैं, डीजीपी के लिए उनका नाम भी रेस में आगे है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दरअसल इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है और अब कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और अब इस पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। धान खरीदी पर श्रेय लेने की होड़ तब शुरू हुई जब सीएम विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और अब समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सीएम के इस बयान पर अमरजीत भगत ने खुशी जताई, साथ ही उन्होंने कहा ये पिछली कांग्रेस की सरकार की तैयारियों का नतीजा है जो इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, इस सरकार को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सरकार के समय की तैयारी थी, हम लोग सभी तैयारियां कर चुके थे, समीक्षा कर चुके थे, किसानों का पंजीयन, कितने धान खरीदी होंगे, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी, धान खरीदी केंद्र से लेकर के और उसके परिवहन और कस्टम मिलिंग तक की सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा और आज यह जानकर के बहुत खुशी हुई कि हमारा जो रिकॉर्ड था उससे भी 108 लाख मीट्रिक टन का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस हुए। अमरजीत भगत के धान खरीदी को लेकर किए दावे पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किस धान खरीदी का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है जिसे रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हम एक एक किसान का धान खरीदेंगे 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हम कर रहे हैं, 900 रुपए के अंतर राशि एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। धान खरीदी का एक्चुअली मामला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए थे बोल रहे हैं, क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। और अभी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है किसानों का ज़्यादा उत्पादन होता है और किसान पूरे धान को अपने बेच रहे हैं, तो उसमें अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से भी पार हो रहा है। अभी 15 दिन खरीदी का समय और बाकी है और जितने किसान के पास धान है वो सारी धान खरीदी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान समय पर धान नहीं बेच पाएंगे और बाकी रह जाएंगे तो समय को भी हम बढ़ा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान और किसान बड़ा मुद्दा है, यही कारण है कि अब रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी पर श्रेय लेने की होड़ मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां तहसील कार्यालय में पहुंचे एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। तहसील कार्यालय में बंदर किसी के सिर पर चढ़ा तो किसी के कंधे पर बैठ गया। बंदर की इस करामात से तहसील कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए तस्वीर,
बंदर की एंट्री के बाद अफरा तफरी का माहौल, किसी के सिर पर तो किसी के कंधे पर बंदर चढ़कर बैठ गया। और चलिए एक नजर टॉप 20